कला एक सशक्त माध्यम है समाज को प्रबोधन करने के लिए। फिल्म भी उसमें एक अच्छा माध्यम है। स्वाभाविक रूप से ही समाज में अच्छा वातावरण बने फिल्म के अलग अलग हिस्सों से, यही विषय उसमें रहेगा। और मुझे आनंद है कि गत 25 वर्षों के काम के कारण यह अवसर मुझे मिला है और इस अवसर का मैं अच्छी तरह से काम करने का प्रयास करूंगा। सर, ऐसा भी कहा जा रहा है कि आप आरएसएस से जुड़े हैं, नितिन गडकरी जी की जो पत्नी उनके साथ आप संस्कार भारती में काम करते हैं, नितिन गडकरी जी के साथ आपके अच्छे रिलेशंस हैं, इस कारण आपको नियुक्त किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो पारिवारिक, तो समाज में रहते हैं, गांव में, हम नागपुर में 50 वर्ष से रहते हैं, साथ में काम करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है। दोस्ती तो सभी से बनी हुई रहती है, ऐसा कोई नहीं है। और संघ से जुड़े ये तो है ही, लेकिन इसका मतलब हम गुनहगार थोड़ी है। हमको सबके साथ काम करते ही है, केवल एक समाज के लिए काम करना डेडिकेशन के साथ, यही हमारा मकसद है, बाकी अन्य कोई नहीं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो स्वायत्त संस्था है उनका भगवाकरण किया जा रहा है, आरएसएस के तमाम लोगों को आगे लाकर, ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता है। कोई अच्छा काम बने देश में, इसके लिए क्या है, कोई भी आदमी अच्छा काम कर सकता है। समाज के कोई भी जो अच्छे वर्ग है, जो अच्छा काम करते हैं समाज के लिए, सबका स्वागत है। कांग्रेस हो, तमाम पार्टियां, वो ऐसा मुद्दा बनाना चाहती है कि ये सब आरएसएस के लोग लाए जा रहे हैं जानबूझकर? ऐसा मुझे नहीं लगता।